कोठाओं के भीतर छुपा पाया जाता है। मिलिए बैक रैक से। ये छोटा रेगिस्तानी चूहा अपने घोंसले के आसपास बहुत सारी चीजें इकट्ठी करता है, पौधों के टुकड़े, पत्थर, हड्डियां और गोबर। बैक रैक इन चीजों को ढक ले जाता है और उन्हें अपने दुर्ग जिसे विलियम कहते हैं उसमें लगा देता है। इस दुर्ग में चीजें बैक रैक के मूत्र से बने ऑर्गेनिक गोल्ड से जुड़ी रहती है और ये रेगिस्तानी से छुपने और रेगिस्तानी तापमान से बचने की एक बढ़िया रहती है। बैक रैक के विलियम में रखी चीजें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत अच्छा सौदागर है। कई जगहों पर इसे सौदागर चूहा भी कहते हैं क्योंकि अगर ये कोई चीज चुराता है तो उसकी जगह कोई दूसरी चीज छोड़कर जाता है। जब वो कोई एक चीज लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कोई और आकर्षक वस्तु भी दिख सकती है। चूंकि वो दोनों साथ नहीं उठा सकता इसलिए दूसरी वस्तु को उठाने के लिए पहली बार छोड़ देता है। ऐसा भी हुआ है कि रोड जब जगे तो उन्होंने देखा कि उनकी घड़ी का चम्मच जो है एक लकड़ी पड़ी हुई है। बैक रैक्स की कई पीढ़ियां एक ही जगह पर रहती है और बड़े बड़े विलेन बनाती है जो 5 फुट ऊंचे और 10 फुट चौड़े हो सकते हैं। इसीलिए कई बार ज्यादा चीजें जमा करने वाले लोगों को बैक रैक भी कहा जाता है। एक बहुत अनोखे संग्रहकर्ता ने लॉस एंजलिस के बीचों बीच अपना विलेन बनाया था। सन 1921 में एक इटालियन आप्रवासी साइमन रोजर ने वॉट्स डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा घर खरीदा और वहाँ हजारों टूटी बोतलें, टाइलें, सीपियां, भुट्टे और यहाँ तक कि औरतों का एक जोड़ी जूता भी इकट्ठा किया। अच्छा हुआ इस इंसानी बैक रैक ने अपने 100 फुट ऊंचे बुर्ज पर ये चीजें चिपकाने के लिए मूत्र की बजाय कॉन्क्रीट का इस्तेमाल किया। उसने 33 सालों तक ये बुर्ज बनाए जिन्हें अब वॉट्स जंग टावर्स कहते हैं। लॉस एंजलिस कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट के क्यूरेटर जेफ्री हलर ने इस बारे में बताया। आप जो देख रहे हैं वो एक ऐसा काम है जो आप खुद अपने अहाते में कर सकते हैं। ये उसके घर का अहाता था और उसने कुछ लोहे की छड़ी भी कॉन्क्रीट लिया और साथ ही रोजमर्रा के काम में आने वाली ढेर सारी चीजें। देखने में भले ही ये बेतरतीब लगता हो मगर इसने एक निश्चित डिजाइन संग्रहकर्ताओं के मन में कुछ तो होता है। इसे बनाने के दौरान एक बार जब उनसे पूछा गया कि वो ये क्यों बना रहे हैं, जवाब दिया कि मैंने मन में सोचा था कि मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है, तो उन्होंने कुछ बड़ा तो किया।